पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है और मैं समझता हूं कि मैं बार बार कहता हूं, एक षड्यंत्र अंतर्गत जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, कामयाब हुई, उसे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो षड्यंत्र किया, किस प्रकार लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित हो, उसके अंतर्गत सूरत का केस जो था एक साल पुराना, रोक लगाई हुई थी हाईकोर्ट, रोक खुद ने लगवाई थी, उस केस को वापस हाईकोर्ट में अपने दे करके छूट ली गई और मजिस्ट्रेट से आनंद फानंद में फैसला करवा दिया गया और हाईकोर्ट तक राहत नहीं मिली उनको। वो षड्यंत्र था और मैं समझता हूं कि ये षड्यंत्र बीजेपी का जो घबरा के किया था उन्होंने, पूरे देश के अंदर इसके अंदर बीजेपी एक्सपोज हो गई है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, जिन्होंने भी षड्यंत्र किया है पूरी पार्टी एक्सपोज हुई है, इसको नहीं भूलना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, विशेषकर हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह का संचार हुआ है और राहुल गांधी अपनी पुरानी भूमिका में आएंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कोई कर रहा है दमखम के साथ में, उनका नाम राहुल गांधी है।